दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की महान स्वर कोकिला भारत रत्न महान गायिका लता मंगेशकर के बारे में, जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को 93 वर्ष की उम्र में हो गया। तो इनके संपूर्ण जीवन की गाथाएं हैं जो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, और हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका 6 दशकों तक कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा था। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का भी फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। लता की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र सामग्री स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के बीच कैंड्री हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थी। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। इनकी बचपन की बात करें तो लता का जन्म एक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीननाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार में भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वे बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों के लिए बहुत किल्लत झेलनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उन्हें पहली फिल्म पहली मंगला गौर 1942 रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। लता मंगेशकर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जो जब वे गाना गाती थी तो वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती थीं। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे फिल्म फेयर पुरस्कार, इस प्रकार से राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, NTR पुरस्कार, पद्म विभूषण, नूरजहाँ पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, इस प्रकार से कई पुरस्कार से इनको नवाजित किया गया। इनको अन्य नाम के रूप में स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, शराब्दी की आवाज़, भारत कोकिला के नाम से भी और स्वर कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।